हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम उदयपुर की जय अम्बे कचौड़ी पे पहुंच चुके हैं। यहाँ बड़े बड़े यूट्यूबर आते हैं। आपने सभी यूट्यूबरों को यहाँ पे देखा होगा, सभी ने यहाँ की वीडियो बनाई है। तो फिर हमने सोचा हम उदयपुर जाएं और पीछे कैसे हट जाएं, क्योंकि हम भी छोटे से यूट्यूबर हैं। तो हमने सोचा हम भी यहाँ पर ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मतलब जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, फूडी लोग हैं, वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, यहाँ का ब्लॉग ज़रूर डालते हैं। तो मैंने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। हमारे होटल के बहुत ज़्यादा पास था, ज़्यादा हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी इसको ढूंढने में। जय अम्बे स्वीट्स से दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन यार इतनी छोटी दुकान में इतनी ज़्यादा कचौड़ी बिकती हैं, सोचा भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमें पता चला, जब दुकान देखोगे तो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे इतनी अच्छी कचौड़ी मिलती है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता लगा कि जितने जल्दी कचौड़ी बन नहीं पा रही थी ना, उतने जल्दी यहाँ पर ख़त्म हो जा रही थी कचौड़ी, मतलब आ रही थी और जा रही थी। बस ये यहाँ पर बॉक्स ये खाली मिलेगा आपको, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ सब लोग वेटिंग में ही थे कि कब कचौड़ी आएगी और कब मिलेगी। तो यहाँ पर मूँग की दाल और प्याज की दोनों कचौड़ी मिलती है, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और ये हमें सबसे बड़ी बात ये ना, ये कचौड़ी हमें कड़ी के साथ सर्व करते हैं। मैंने तो चटनी के साथ ली थी, आप देखिए इस तरह से तोड़ के सर्व करते हैं, लेकिन ये कड़ी भी मैंने अलग से ली थी। तो मैंने ये अपने हस्बैंड को चखाई, उनको बहुत अच्छी लगी ये कचौड़ी। तो अगर आप लोग भी उदयपुर जाते हैं और अगर आप यहाँ पर कचौड़ी खाना चाहते हैं, तो आप जाके ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी ब्लॉग बनाऊँ और आपका प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिएगा। और ये कचौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था, और यहाँ का टेस्ट सच में राजस्थानी टाइप का था। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।